योग शिवलिंग लग रहा है इतना बड़ा, शंकर जी नमस्कार दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि मैं आज आ चुका हूँ मंडला के पुरातत्व विभाग के संग्रहालय पे। देख सकते हो ये है मंडला का पुरातत्व विभाग का संग्रहालय, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर आने के अलग अलग चार्जेस हैं। देख सकते हैं भारतीय दर्शक 25 रुपये, 20 रुपये है, विदेशी दर्शक 400 रुपया, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कैमरा से, तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो चलो मैं आज आपको दिखाता हूँ मंडला का पुरातत्व विभाग, जो कि मंडला में ही है लोकल। तो ये है अपना लालीपुर से और बैगा बैगी चौराहे के बीच में SBI बैंक के सामने। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो ये लिखा हुआ है देख सकते हैं जिला पुरातत्व संग्रहालय, पुरातत्व संग्रहालय। चलिए अब एंट्री करते हैं अंदर। यहाँ पर कैसे एंट्री करते हैं, यहाँ पर हमें बोर्ड मिलता है और यहाँ पर देख सकते हैं दिक्पाल टिकरा टोला मंडला की बनी हुई है, एक बहुत ही पुरानी मूर्ति है दिक्पाल टिकरा टोला, और हाथी वगैरह है यहाँ, सूप खार इस साइड का है, नायिका सूप खार मंडला। ऐसे यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं अलग अलग, नायिका लिखा हुआ है। और ये जो परिसर है बहुत शानदार परिसर है, एक बहुत ही शानदार परिसर है यहाँ पर, बहुत ही शानदार लग रहा है। अलग अलग मूर्तियाँ बनी हुई हैं, पढ़ सकते हैं आप युगल सूप का, ऐसी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। तो इस साइड भी हैं, चलो उस साइड दिखाता हूँ मैं आपको। दूसरे एंड पे देखेंगे शिकार लिखा हुआ है, लगभग 15वीं शताब्दी का है ये। ऐसे बहुत ही पुरानी पुरानी यहाँ पर पत्थरों में उखेरित मूर्तियाँ हैं यहाँ पर, देख सकते हैं मिथुन ये है, मिथुन नृत्य दृश्य है यहाँ पर, देख सकते हैं ये नृत्य और मिथुन दोनों है यहाँ पर। सूप खार मंडला युद्ध दृश्य है, लगभग 15वीं शताब्दी का है ये। युगल मिथुन ये देख सकते हैं, तो इस प्रकार से दृश्य है इसमें नृत्य दृश्य, नायिका यहाँ पर एक नायिका है, ये है नृत्य दृश्य है, ये नृत्य का दृश्य है। हाथी यहाँ पर, हाथी की मूर्तियाँ हैं, ऐसी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। द्वार पक्ष है ये यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा है, देखिएगा बहुत ही पुरानी। तो जय श्री राम, वंदे नमः, और भी आगे चलते हैं। ऐसी बहुत सारी यहाँ काम कला से रिलेटेड मिथुन से भी है, नृत्य है, हाथी है, ये ऐसी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं ये अलग अलग। इसको छू के देखो तो ये तो बहुत कठोर है, बाकी ये भी है, ये क्या लिखा है, घुड़सवार की एक मूर्ति है यहाँ पर, स्थापत्य कला पे बनी हुई ये मूर्ति है। और यहाँ पर क्या है, ये दिक्पाल, ये देखिए दिक्पाल की मूर्ति है यहाँ पर, ऐसे दिक्पाल और भी अलग अलग मूर्तियाँ हैं, ऐसे बहुत सारी मूर्तियाँ देख सकते हैं यहाँ पर है, नायिका नृत्य और भी मूर्तियाँ हैं, जा सकते हैं ये हाथियों की, यहाँ अलंकृत है, स्तंभ है। तो दोस्तों अभी आपको ये बाहर का दृश्य दिखाया है, चलिए मैं अब आपको अंदर की ओर दिखाता हूँ यहाँ पर किस प्रकार से अंदर मूर्तियाँ हैं जो कि प्राचीन पुरातत्व विभाग की। देख सकते हैं गरुड़ जी की मूर्ति है यहाँ पर, एक जो है गरुड़ जी की, और भी है एक बहुत ही पुराना एक वृक्ष लगा हुआ है बहुत ही, तो मुझे लगता है वहाँ पर लगा रहता है जहाँ बारिश जो है ज़्यादा होती है, या फिर देखो सतीशिला है, ये एक सतीशिला है, मिथुन पे है, युद्ध दृश्य है, दिक्पाल है, दिक्पाल स्थापत्य खंड ये बना हुआ है, देखो स्थापत्य खंड है ये इस प्रकार से, ये भी स्थापत्य खंड सिरदल ये है, सिरदल 15वीं शताब्दी के पूर्व का है, दिक्पाल सिरदल नंदी 19वीं शताब्दी का है, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है ये, तो अभी कुछ दिनों का ही। और देखिए द्वार पक्ष अरे गजब, नंदी बिझोली मंडला का है ये, 17वीं शताब्दी का,
स्थापना 10वीं शताब्दी का है ये झोली। ये देखिएगा इस प्रकार से। तो दोस्तों देख सकते हैं एक प्रकार से जीवाश्म का पेड़ है ये, जो कि लिखा हुआ देखो पादप जीवाश्म। लगभग 6 करोड़ वर्ष प्राचीन घोगवा फजल का है ये, 6 करोड़ वर्ष पुराना भाई ये। देख सकते हैं यहाँ पर ब्रह्मा जी की झोलपुर मंडा है ये प्रतिमा, ये ब्रह्मा जी झोलपुर, और ये देव प्रतिमा बनी हुई है झोलपुर देव प्रतिमा। तो ये आपको और दिखाता हूँ मैं, एक नायिका है यहाँ पर, तो ये मिथुन का जो है ये नायिका है, गुरु अरविंद अनादि नैनपुर से बने हुए हैं उनकी प्रतिमा। अलंकृत स्तंभ और भी बहुत सारे स्तंभ हैं। देख सकते हैं काष्ठ जीवाश्म घोघवा का है ये, स्थापत्य खंड देवी प्रतिमा, देवी की प्रतिमा है, स्थापत्य खंड है यहाँ पर। और ये है काष्ठ जीवाश्म, ये लग रहा है कि लकड़ी का दिख रहा है पर ये पूरा पत्थर का ही है, मतलब ऐसा है ये लकड़ी पत्थर बन चुकी है, ये लकड़ी ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये लकड़ी है, लकड़ी नहीं है पत्थर है, पूरा पत्थर बन चुका है ये जीवाश्म से। तो दोस्तों अब अंदर साइड है यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ, ये लिखा हुआ है जिला पुरातत्व संग्रहालय, चलिए चलते हैं अंदर की ओर। महारानी लक्ष्मी जी की, लक्ष्मीबाई की फोटो, ओरिजिनल फोटो ये है देख सकते हैं, नाना फडणवीस तात्या टोपे लाल बहादुर शाह जफर रानी दुर्गा रानी अवंती बाई रामगढ़ जिला मंडला, ये है देखो ओरिजिनल फोटो। और सुभाष चंद्र बोस की देखिए, सरदार पटेल नेहरू जी महात्मा गांधी रविशंकर शुक्ल और एक देखा नाना साहब को पकड़ने हेतु 1 लाख का इनाम ये निकाली थी भैया अंग्रेज सरकार, उसके प्रति है नाना साहब को पकड़ने हेतु 1 लाख का इनाम। तथा टोपे के नाम पर राजा मर्दन सिंह को पत्र, राजा तथा टोपे नारायण सिंह शहादत, सभी नवज्ञान कैदियों की वर्गीकृत ये भाई। पुलिस आयुक्त इंदौर पत्र 1922। तो ऐसे बहुत सारे पत्र हैं यहाँ पर जो बने हुए हैं। ग्वालियर का राज्य कांग्रेसियों की तलाश, ग्वालियर राज्य में कांग्रेसियों की तलाश हुई थी 1944 में। ये बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं भाई यहाँ पर। तो ये कौन है देखो, महात्मा गांधी का लगता है लास्ट अंतिम संस्कार के पहले का है, स्त्रियों गले के हार कलचुरी कालीन, ये भैया स्त्रियों की हार देख लो। मुकुट एवं केस विन्यास विभिन्न प्रकार के होते हैं, ये है 583 वर्ष पूर्व नायिका है यहाँ पर, अलग अलग प्रकार की प्रतिमाएँ, देव प्रति ये हो सकती हैं देखो, नंतक युगल सुकर पादपीठ भाग सिंह दोटाक, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पत्थर हैं भाई, कैल्साइट महराजपुर बेजनाइट चूना पत्थर, ये सब मंडला के हैं ना, मंडला के पत्थर हैं भाई यहाँ से, मुर्रम पत्थर, पांडुलिपि हस्तलिखित ग्रंथ हैं, रामनवमी कथा पृष्ठ, अरे ये तो आदिवासी उपकरण त्रिशूल, जो खड़ा हूँ ये जैसे पहनते रहे पहले जब सवारी आती हुई तब, त्रिशूल भी बहुत खतरनाक है। डायनासोर अस्थि जीवाश्म, अंडे हैं डायनासोर के अंडे, मुझे अस्थि उसकी का डायनासोर के अंडे, लगभग 10 करोड़ प्राचीन वर्ष पुराना भाई, ये क्या है पुराना ईट है, इतना बड़ा होता था ईट पहले। चरखा, अच्छा जी है चरखा, शहीद उदयचंद जैन हमारे मंडला का मैन शहीद हुए, शहीद हैं ये। ताना भरणी सूरजपुरा आदिवासी उपकरण, कुल्हाड़ी आदिवासी उपकरण, भाला आदिवासी उपकरण, फरसा ये है, दो धारी तलवार भाई, खाई मंडला ब्रिटिशकालीन तलवार है।
सिंह दो टुकड़े में पादपीठ भार, पादपीठ क्या कहलाता है क्या मान, लगभग 10वीं ईसा पूर्व ये प्रतिमा का ऊपरी भाग है भाई। चौकट दोबारा बताने के लिए, सरदल चौखट है ये पहले की, हाथ पेट या अलग अलग प्रकार की जीवाश्म पत्थर। ब्रह्म, ब्रह्मा दो टुकड़ों में है भाई ये, ब्रह्मा। दिक्पाल अलग अलग दिवास में है, सरदल नटराज शिव। मंडला में मिले डायनासोर के अंडे शाकाहारी डायनासोर के हैं ये, मतलब मंडला में दोस्तों शाकाहारी डायनासोर थे 15 फीट, मंडला में मिले डायनासोर के हड्डी का जीवाश्म में ऐसे हैं। कैलिफोर्निया गतिशील ये पत्तियों की छाप, नारियल व केले का फल का जीवाश्म में है ये, अलग अलग जीवाश्म में है यहाँ पर ये देख सकते हैं। 5 करोड़ वर्ष पूर्व अनोखा मंडला के जीवाश्म की, मंडला मुख्यतः पौधों का जीवाश्म मिले हैं जो आज से 6.5 करोड़ वर्ष पहले के अर्थात मध्य जीव महाकल्प के अंतिम नूतन जीव महाकल्प के प्रारंभ के बीच के हैं, मतलब हमारे मंडला का इतिहास 6.5 करोड़ वर्ष पुराना है। ये सफेद वृक्ष यूकेलिप्टिस दाया दीपधारिणी नदी देवी गंगा, नदी देवी गंगा देवी देव प्रतिमा। अब चलिए चलते हैं, और अंदर भी है यहाँ पर। वाह यार ये तो और ही शानदार है, यहाँ पर सूर्य देव की प्रतिमा बहुत शानदार है। मन का मोती ये है, मन का मोती भैया ये, और मृणमयी मूर्तियाँ हरिहर सिंह वाहिनी जय हो माता। विग्रह अधिकांश ये है शांतिनाथ की प्रतिमा, जैन तीर्थांकर की प्रतिमा है ये, पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा से है पूरा मंडला में मिली हुई है, देखिएगा प्राचीन धातु की प्रतिमाएँ। कौमारी रामनगर की है, अरे कौमारी मंडला। ज्वेली बीजों के गणेश जी की प्रतिमा है, गणेश जी की प्रतिमा है यहाँ पर, सरस्वती जी की, पांडव की प्रतिमा है भाई यहाँ पर, पांडव है ये 5 पांडव, विष्णु जी की प्रतिमा है। बहुत सारी प्रतिमाएँ थोड़ी विखंडित हो चुकी है यहाँ पर देव प्रतिमा, क्योंकि ये 10वीं शताब्दी मतलब 1000 साल पुरानी हो कम से कम है प्रतिमा यहाँ पर, 1000 साल पुरानी। ये नंदी की प्रतिमा, संख युक्त हाथ, चक्र माला युक्त शिवलिंग है ना, इतना बड़ा ये शंकर जी है, बहुत ही पुराना शंकर जी है। मातृ देवी यहाँ पर देख सकते हैं, तो भैरव की प्रतिमा है वो तो साफ है यार भाई जी, परिकर प्रतिमा लगभग द्वारक में मिली हुई है। गौड़कालीन मूर्ति शिल्प कलचुरी राजवंश के पतन के पश्चात मध्य भारत के विशाल भूभाग में ये प्रतिमाएँ मिली हुई, सती स्तंभ है यहाँ पर। हरदौल जी की प्रतिमा है, जय हो हरदौल बाबा, हरदौल की प्रभाव में सतीशिला। नग प्रतिमा गौरी जी की प्रतिमा है यहाँ पर, उमा महेश देव प्रतिमा है, उमा महेश की प्रतिमा है यहाँ पर, गणेश प्रतिमा, ये गणेश जी की प्रतिमा देख सकते हैं आप, गणेश जी की और भी प्रतिमाएं हैं। गंधार प्रतिमा। तो दोस्तों अभी आपको मैंने आज दिखाया मंडला का पुरातत्व संग्रहालय जो कि बहुत ही शानदार है, देख सकते हैं किस प्रकार से शंकर जी वगैरह की प्रतिमाएं हैं,
शंकर जी प्रतिमा, बहुत सारी प्रतिमाएं हैं यहाँ पर, आप भी आए और मंडला के प्राचीन पुरातत्व विभाग को जाने और उसके संग्रहालय को देखें। आपको यह ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में धन्यवाद जरूर लिखिएगा।